मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गले लगाने के बहाने एक वरिष्ठ नागरिक से 1,00,000 रुपए की सोने की चेन चुराने वाली महिला को मलाड पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने कई बुजुर्गों को लूटने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया है। आरोपी गीता पटेल आमतौर पर अकेले घूमने जाने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाती थी। वह ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वालों को भी निशाना बनाती थी और लिफ्ट मांगा करती थी। पुलिस ने कहा कि गीता पटेल इसी मौके का फायदा उठाकर मोबाइल फोन, सोने के गहने लूट लेती थी। मलाड के एक वरिष्ठ की सोने की चैन लूटने के बाद वो 2 महीने तक फरार थी। पीड़ित को अपने भवन में पहुंचने के बाद ही चोरी का पता चला। अगले दिन उसने मलाड पुलिस से संपर्क किया। वरिष्ठ निरीक्षक रवि अडाने की देखरेख में पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने जांच शुरू की और आरोपी का पता लगाया। जांच के दौरान पता चला कि पटेल अपराधी है, जिसने चारकोप, मलाड, बोरीवली, मीरा रोड और अन्य जगहों पर इसी तरह के अपराध किए हैं। घर गया तो पता चला कि मेरी चेन नहीं है और उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया तो 379 IPC के तहत पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज था। रिक्शा से घर जा रहे थे तभी वो सीनियर सिटीजन लेडी है, उन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने के बाद इन्होंने भी उसे उनके रिक्शा में बिठाया और वो काचपाड़ा तक पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद वो लेडी ने बताया कि उनको उतारने के लिए कहा। उतारने के बाद उन्होंने कंप्लेनेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप अगर मेरे साथ आते हो तो मैं आपको घर दिखा देती हूँ। तो इसी एक बिल्डिंग के नीचे चले गए और बिल्डिंग के स्टेयरकेस के पास जाने के बाद वो उनको कंप्लेनेंट को गले लगाया और गले लगाते वक्त उन्होंने हाथ चलाकी करके उनके गले की 20 ग्राम की सोने की चेन चोरी करके चले गई थी। इस महीने के 30 तारीख को वो नया नगर मीरा रोड यहाँ पर है, ऐसी खबर मिली थी। उस मुताबिक उसको हमारे टीम ने उसको अरेस्ट किया है। 3 दिन वो कस्टडी में थी और उसने इसी प्रकार के गुने अभी तक दहिसर, मीरा रोड, नया नगर, अंधेरी इस जगह पे किए हैं।